चार भाइयों की कहानी। एक गांव में चार भाई रहते थे। उनके नाम चांद, सूरज, कछुआ और झाऊ मूसा था। एक बार उनके पास वाले गांव में मेला लगा था, तो उन सब ने वहां जाने का निर्णय लिया। वे सभी मेले में गए और खूब घूमे। तब चांद ने अपनी माँ के लिए एक लड्डू लिया। जब ये सब लौटने लगे तो चांद ने अपने भाइयों से पूछा कि तुम सब ने माँ के लिए क्या लिया, तो उन सब ने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं लिया। फिर रास्ते में चलते हुए सूरज को जलती लकड़ी दिखी और उसे अपनी माँ के लिए उठा लिया। फिर थोड़ी आगे चलकर झाऊ मूसा को कांटे दिखे तो उसने वो उठा लिए। फिर कछुए को ठिकरे मिले तो वो उसने माँ के लिए उठा लिए। जब ये सब घर पहुँचे तो उनके माँ ने पूछा कि मेरे लिए क्या लाए। तब सूरज ने जलती लकड़ी अपनी माँ को दी। तब उसकी माँ ने सूरज से कहा, बेटा अब से तू हर समय आग में जलेगा। फिर झाऊ मूसा ने अपनी माँ को कांटे दिए तो उसकी माँ ने कहा, बेटा अब से तू कांटे में ही रहेगा। फिर कछुए ने अपनी माँ को ठिकरा दिया तो उसकी माँ ने कहा, बेटा अब से तेरे ऊपर भी ठिकरा होगा और नीचे भी तू उसमें बंद रहेगा। उसके बाद चांद ने अपनी माँ को लड्डू दिया तो उसकी माँ ने कहा, बेटा तू अब से हमेशा शीतलता में रहेगा। इस तरह उनकी माँ ने उन्हें वरदान दिया जो हम आज भी देख रहे हैं।